एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था कमल। वह एक छोटे से घर में रहता था। कमल के रघु और रामू ये दो बेटे थे। रामू आवारा और शराबी था और रघु बहुत चतुर और मेहनती था। रघु छोटा था तब से ही खेती के कामों में कमल की मदद करता था, इसलिए उसे सारे खेती के काम आते थे। पिताश्री, आज से खेती के सारे काम मैं करूँगा, आपकी तबीयत भी खराब रहती है। ठीक है पुत्र, यदि जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। रघु खेत जाता है। पिताश्री तो लंबे समय से यहाँ कपास की ही खेती करते आ रहे हैं, पर उन्हें कभी अच्छी फसल नहीं हुई। मुझे लगता है ये जमीन सब्जियों की खेती के लिए अच्छी है, मैं यहाँ सब्जियाँ उगाऊंगा। फिर दूसरे दिन रघु सब्जियों के लिए खेत तैयार करता है और सब्जियां लगा देता है। रघु की मेहनत और चतुराई के कारण कुछ ही दिनों में खेत सब्जियों से हरा भरा हो जाता है। रघु सब्जियां बाजार में बेचता है और अच्छे पैसे कमाने लगता है। कुछ ही दिनों में उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और रघु अच्छा घर भी बना लेता है। पिताश्री, हमें हमारे जानवरों के लिए कोठा बनाना है, इसलिए कुछ बड़ी लकड़ियां लाने मैं मेरे दोस्त के साथ जंगल जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र, पर संभाल कर जाना, जंगल में बड़े जानवर भी रहते हैं। रघु जंगल की ओर निकलता है। दया, मुझे लगता है ये पेड़ अच्छा रहेगा, हम इसे ही काटते हैं। तभी मौसम बदलने लगता है और हवाएं चालू हो जाती है। अरे ये क्या, ये अचानक काले बादल कैसे? लगता है बारिश आने वाली है। तभी बारिश चालू हो जाती है। दया, चलो कहीं छूटते हैं। वे भागकर एक गुफा में आ जाते हैं। पता नहीं ये अचानक बारिश कैसे आ गई। हाँ, पर अच्छा हुआ हमें ये गुफा मिल गई, यहाँ हम आराम से बारिश रुकने तक रुक सकते हैं। और देखो ये गुफा कितनी शांत और गर्म है। हाँ, पर इस गुफा में कोई तो रहता होगा, मुझे लगता है ये गुफा किसी बड़े जानवर की है, उसी के डर से यहाँ पर इतनी शांति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो अब रात भी हो रही है, हम यहीं पर रात भर रुक जाते हैं। दया मान तो जाता है पर उसे डर लग रहा था। कुछ ही देर बाद दया को किसी की आवाज आई। दया गड्ढे से बाहर देखता है तो उसे एक परछाई गुफा की ओर आती हुई दिखती है। दया और डर जाता है और फिर से देखता है तो उसे शेर गुफा की ओर आता हुआ दिखता है।
अरे अरे शेर शेर रघु 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 शेर 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 आ गए शेर। अरे क्या हुआ दया? शेर। अरे ये तो शेर की गुफा है। हाँ, अब ये हमें खा जाएगा। हम गए, अब हम नहीं बचेंगे। हे भगवान, हम गए, ये शेर हमें खा जाएगा। दया पूरी तरह से डर गया था और कांप रहा था, पर रघु शांत था। दया रुको, शांत हो जाओ दया, हमें कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, हम उस शेर को देख सकते हैं, पर वह हमें नहीं देख सकता। हाँ, पर वह अंदर आकर हमें खा जाएगा। अब हम नहीं बचेंगे। हे भगवान, मेरी बूढ़ी माँ की रक्षा करना। शांत हो जाओ दया, शांत हो जाओ, हमें कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, उसे नहीं पता कि यहाँ पर कौन है। फिर रघु दया को एक योजना बताता है। देखो वह आ रहा है, आज तो हमें पेट भर कर खाना मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत ताजा तवाना है। हाँ, मैंने कहा था ना, इस गुफा में जो रहता है उसे खाने में हमें बहुत आनंद आएगा। रघु ने तो शेर को सोच में डाल दिया। अब शेर की बारी थी कांपने की। अरे ये कौन है? लगता है कोई बड़े प्राणी है जो मुझे खाने के लिए बैठे हैं। अरे ये रुक क्यों गया? चलो हम ही जाकर उस पर हमला कर देते हैं। ये हम दोनों से तो नहीं लड़ पाएगा। ये मुझ पर हमला करने वाले हैं। अब मुझे भागना होगा। रघु की चाल काम कर गई और शेर वहां से डरकर भाग गया। देखो भाग गया शेर, इसलिए गंभीर परिस्थिति आने पर इतना घबराने का नहीं, शांत होकर सोचने का। हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर मिल जाता है। हाँ मैं समझ गया, तुम्हें भी डर लगा था, पर तुमने दिमाग शांत रखा, तभी तुम्हें शेर से निपटने का रास्ता सोचा। हाँ अब चलो घर।